सिंगरौली में नववर्ष के अवसर पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह काफी उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें कार्यकारी निदेशक बसुराज गोस्वामी और वनिता समाज अध्यक्ष जयिता गोस्वामी सहित यूनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सिंगरौली में उत्साहपूर्वक नववर्ष स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत अतिथियों द्वारा एनटीपीसी ध्वज सम्मान पूर्वक फहराने एवं एनटीपीसी गीत समवेत स्वर में गाने के साथ की गई। इस दौरान वसुराज गोस्वामी ने एनटीपीसी लिमिटेड की वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता 70,884 मेगावाट, अन्य उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। वहीं उन्होंने परिचालन दक्षता का उल्लेख करते हुए एनटीपीसी सिंगरौली के प्रथम यूनिट के बारे में बताया, जिसका पीएलएफ वर्ष 2021 और 22 में 100% से भी अधिक रहा। उन्होंने वर्ष 2022 में एनटीपीसी सिंगरौली स्टेशन का समग्र पीएलएफ एनटीपीसी के सभी स्टेशनों में दूसरे स्थान प्राप्त किए जाने की जानकारी भी दी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।